Hi guys, today I'm going to make a video on history topic, history subject that is related to later Vedic period. There is 16 samskaras. हम सब लोगों को मालूम है अच्छे से अच्छे तरीके से जो कि 16 samskaras वो एक later Vedic का पार्ट होता है जो कि हर कोई एग्जाम में आता रहता है. जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि UGC NTA UGC NET, उसमें एक क्वेश्चन कंपलसरी आप देख सकते हो. 2015 का क्वेश्चन उठा लो या 2016 का क्वेश्चन उठा लो, उसमें इससे एक क्वेश्चन सुनिश्चित था. जैसे कि हम लोग को मालूम है, जैसे कि क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, कर्णा बेदा अन कर्णा बेदों के पहले ये कौन सा नंबर में पड़ता है, उसके पहले कौन सा पार्ट जो कि वो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. तो हम लोगों को पहले ये देखने चाहिए कि 16 संस्कारस जो कि बहुत मुख्य पार्ट प्ले करता है, फिर भी बच्चों को ये पार्ट छोड़ना पड़ता है क्योंकि ये ज़्यादा टफ हो जाता है. तो उसके लिए बहुत बच्चों के रिक्वेस्ट से हमने ये वीडियो बनाया है, पहला मेहनत किए हैं. तो इसमें जब कुछ गलती होगी तो माफ़ कर देना. तो पहली हम लोगों को ये देखना है कि 16 संस्कारस क्या होता है. 16 संस्कारस वो ये होता है कि वो हिंदू फिलोसॉफी का 16 पार्ट्स है जो कि लैटर वैदिक पीरियड में वो बहुत ज़्यादा उसका इम्पोर्टेंस बढ़ चुका था. जैसे कि आप लोगों को मालूम है वैदिक पीरियड में वुमेन का रोल क्या था और वहाँ कैसे वर्ण सिस्टम था, जैसे कि ब्राह्मीण क्षत्रिय वैश्य शूद्र. लेकिन लैटर वैदिक पीरियड में वो लोगों का रोल बहुत क्रिटिकल हो गया, जैसे कि जाति सिस्टम हो गया, जैसे कि ब्राह्मीण क्षत्रिय वैश्य शूद्र. ब्राह्मीण फ्रॉम द हेड ऑफ ब्रह्मा, क्षत्रिय फ्रॉम द शोल्डर ऑफ ब्रह्मा, वैश्य फ्रॉम द थाई ऑफ ब्रह्मा, शूद्र फ्रॉम द फिट ऑफ ब्रह्मा. वैसे ही लैटर वैदिक पीरियड में 16 संस्कारस जो आ गया, जो कि बहुत तन मन से लोग इसको पालन करते थे. पहला क्वेश्चन है गर्भधारणा. हमारे 16 संस्कारस में एक पार्ट ऐसा आता है जिसे बोलते हैं गर्भधारणा. आप लोगों को मालूम है गर्भधारणा, जो कि हिंदी में हम लोग बोलते हैं गर्भ. गर्भ मीन्स गर्भ, जो कि गर्भवती माँ होती है. तो गर्भधारणा होता है क्या, जो एक सेरेमनी होता है जो कि हम लोगों के जैसे कि न्यूली मैरिड कपल हैं, तो न्यूली मैरिड कपल के लिए तो एक सेरेमनी होता है, जो सेरेमनी ज़्यादातर ब्राह्मण लोग पालन करते हैं. तो उस संस्कार क्या होता है गर्भधारणा, जो कि सेरेमनी टू कज कंसेप्शन, जो कि कंसेप्शन के पहले एक पूजा होता है, जिसके वजह से वहाँ पे पूजा में ये जो कि उनका मन में ये रहता है कि ये सेरेमनी सिर्फ गर्भधारण के लिए रहता है, जो कि उसमें वो लोग पूजा करते हैं कि माँ और ये औरत जैसे पहले गर्भधारण करे. और सेकंड में क्या आता है पुंसावना. पुंसावना मीन्स सेरेमनी टू सिक्योर बर्थ ऑफ ए मेल चाइल्ड. ओके, सेरेमनी टू कज कंसेप्शन मीन्स जो कि कंसेप करे कि बेबी कंसीव हो. और सेकेंड पार्ट में ये होता है कि पुंसावना जो सेरेमनी होता है, जो उनमें उनमें उनका मन होता है कि मेल चाइल्ड आए, जो कि आप लोगों को मालूम है पहले ज़्यादा मेल को इम्पोर्टेंस दिया जाता था. अभी तो वैसे कुछ ज़्यादा नहीं है, फिर भी बहुत सारे एरिया में रहता है, बट उस टाइम में सबका मन में ये रहता है कि मोक्ष प्राप्ति होने के लिए सिर्फ लड़का ही जरूरी है, तो उसके लिए उनका वो पूजा रखा जाता था. उसके बाद सेकंड थर्ड में ये आता है सीमांतो नयना. सीमांतो नयना मीन्स जो ऑफरिंग प्रेयर्स टू विष्णु, जो कि विष्णु एक गॉड होते हैं, जो कि लैटर वैदिक में उनका इम्पोर्टेंस ज़्यादा बढ़ गया था. टू टेक केयर ऑफ द ओम, मतलब जो हमारा जो गर्भ माँ का जो गर्भ होता है, वो गर्भ का टेक केयर करने के लिए वो एक एक टाइप का और एक प्रेयर होता है, ऑफरिंग होता है गॉड को, जो उसको बोलते हैं सीमांतो नयना. और फोर्थ में आता है जातकर्मा. जातकर्मा मीन्स सेरेमनी फॉर द न्यू बॉर्न चाइल्ड, मतलब यहाँ पे कंसीव हो गया बेबी, यहाँ पे बेबी कौन सा बेबी होगा, मेल होगा या फीमेल होगा. और थर्ड पार्ट में कि प्रेयर्स हुआ जो कि माँ के ओम का जत्न लेने के लिए. फोर्थ पार्ट में ये हुआ कि सेरेमनी फॉर द न्यू बॉर्न चाइल्ड, जो कि बच्चा पैदा हो चुका है और उसका टेक केयर करने के लिए उसके लिए एक प्रेयर होता है जिसे बोलते हैं जातकर्मा. उसके बाद आ गए
गया नामोकरण। नामोकरण आप सब लोगों को मालूम है, हर रिलीजन में ये चीज रहता है कि नाम देना, बच्चा पैदा होने के बाद उसका नामकरण करने के लिए वो एक सेरेमनी होता है। वो सेरेमनी में बहुत सारे लोग आते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे एक पूजा पाठ होता है, वहाँ पे एक नाम रखते हैं बच्चों का। तो वो हो गया, 5 नंबर में आ गया। और 6 नंबर में आ गया निष्क्रमण। निष्क्रमण, निष्क्रमण किसे बोलते हैं, जो कि इट इज द फर्स्ट आउटिंग ऑफ द चाइल्ड। मतलब चाइल्ड पैदा हो गया और वो फिर एक घर में रहता है, बस उसके बाद थोड़े दिन के बाद उसको घर के बाहर निकालना। तो फर्स्ट टाइम पे जो आउटिंग है वो चाइल्ड का, उसे बोलते हैं निष्क्रमण। उसके बाद 7 नंबर में आता है अन्ना प्रशन्ना। अन्ना मतलब क्या है आप लोगों को मालूम, अन्ना मतलब होता है अन्न, अन्न मतलब होता है जो कि प्रसाद होता है, जो कि खाना होता है पहला। द फर्स्ट फीडिंग ऑफ हिज चाइल्ड विथ सॉलिड फूड इन द 6th मंथ, जो कि 6th मंथ हो जाता है। जब 6th मंथ में एक फीडिंग करा जाता है, फर्स्ट अन्ना देते हैं उनके मुंह में, तो उसको बोलते हैं अन्ना प्रसन्ना। उसके बाद आ गया 8 नंबर में आता है चूडाकर्मण। चूडाकर्मण किसे बोलते हैं, टू टंश्योर ऑफ चाइल्ड्स हेड, जो कि पहला उसका जो चूड़ा होता है, मतलब चूड़ा मतलब क्या है, वो जो बाल होता है पीछे का थोड़ा बाल ऐसे रखते हैं और साइड का बाल काट देते हैं। नहीं तो बहुत सारे बच्चों का ऐसा भी मतलब होता है कि उसको काटते नहीं, बस उसको छोड़ा रहते मतलब रख देते हैं बाल, तो वो होता है चूड़ाकर्मणा, द टंश्योर ऑफ चाइल्ड्स हेड। उसके बाद कर्णवेध। कर्णवेध आप लोगों को मालूम है, बहुत सारे जैसे कि हम लोग का ब्राह्मण सेक्शन होता है, वो लोग क्या करते हैं ना, बच्चे के लोब जो होता है, लोब्स, कान का लोब्स होता है, उसको मतलब ऐसे लड़की जैसे उसको एक ऐसे खा मतलब उसको तरफ से तरफ एक नोली पिना देते हैं, जिसके वजह से बोलते हैं पर्सिंग ऑफ द ईयर लोब ऑफ द चाइल्ड। और 10 नंबर में आता है विद्यारंभ। आप लोगों को अच्छे से मालूम है आश्रम आरंभ की विद्यारंभ, जो बोलते हैं दिस इन्वॉल्व्स लर्निंग ऑफ द अल्फाबेट्स। फर्स्ट टाइम के लिए वो बच्चा एक वर्ड्स हो कि एक मतलब लेटर हो, उसे वो पहला विद्यारंभ करेगा, सीखेगा, जैसे कि स्लेट पकड़ेगा। और 11 नंबर में आता है उपनयन। उपनयन जो कि विशेष करके ये चीज पालन होता है हमारे हिंदू धर्म के ब्राह्मण सेक्शन में, जो कि पोइता जो बोलते हैं ना, वो एक थ्रेड पहनते हैं, पवित्र थ्रेड पहनते हैं, उसे बोलते हैं इट वॉज द होली थ्रेड सेरेमनी। उसके बाद वेदारंभ। वेदारंभ होता है जैसे कि इट इज़ द फर्स्ट स्टडी ऑफ द वेदस। फर्स्ट टाइम के लिए पहले के लोग क्या करते थे, जिसको वेद मालूम है, 4 वेद के मालिक हैं, तो उनको जब मालूम है तो वो सबसे अच्छा इंसान होता है। लेकिन अभी के ज़माने में तो ये नहीं रहा, तो अभी के लोग क्या ना, जो इंजीनियरिंग डॉक्टर और अच्छा पढ़ाई के टीचर्स लेक्चरशिप कर रहे हैं, तो वो बोल रहे थे गवर्नमेंट जॉब है तो बहुत कुछ है, लेकिन तब वेदा बहुत कंपल्सरी रहता है था लोगों के लिए। उसका केशांत। केशांत मीन्स इट वाज द कटिंग ऑफ द हेयर। वो जो हेयर जो था, जो छोड़ा हुआ हेयर, तो उसको लास्ट में उसको कट करते हैं, तो उसको बोलते हैं केशांत। उसका 14 नंबर में आता है समावर्तना, मतलब ग्रेजुएशन। आफ्टर कंप्लीशन एवरीथिंग दैट इज द फर्स्ट द ग्रेजुएशन कंप्लीशन। दिस ग्रेजुएशन स्टार्टिंग ऑफ ग्रेजुएशन, कंप्लीशन ऑफ ग्रेजुएशन, दैट इज कॉल्ड समावर्तना ग्रेजुएशन। एंड 15 नंबर इज विवाह, मतलब मैरिज। मतलब आफ्टर कंप्लीशन 14 नंबर्स दैट इज द कमिंग ऑफ मैरिज। मैरिज इट इज द कंपल्सरी सिस्टम ऑफ हिंदू सोसाइटी। एंड 16 नंबर इज कमिंग अंडर अन्येस्ति, फ्यूनरल, इज लास्ट द एंड ऑफ लाइफ। एंड यू नो इट वेरी वेल, हिंदू इन हिंदू सोसाइटी दैर इज द 4 आश्रमस, दैट इज फर्स्ट ब्रह्मचार्य, एंड सेकेंड इज गृहस्थ्य, थर्ड इज वनप्रस्था, एंड फोर्थ इज संन्यासा। इन द लास्ट पार्ट दिस इज कॉल्ड गृहस्थ्य एंडेड हियर, एंड द लास्ट वन अन्येस्ति, शूनेनर। और जब ये वीडियो अच्छा लगा हो, कि आपके जब फायदेमंद हो, तो इसको लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू।